हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस के स्मार्टफोनों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी वन प्लस के स्मार्टफोन चलाना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको वन प्लस का स्मार्टफोन कौन सा बाय करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं। इन फोनों को आप अपनी नीड एंड ब्यूटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों, इन फोन के अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट 3 5G रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फोन के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.74 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 1 मिलियन कलर के साथ आता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR9+ की सपोर्ट दी गई है, 1450 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 89.8% का स्किन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। ऑक्सीजन OS 13.1 का एक्सपेंड देखने को मिलेगा साथ ही में आपको। बात कर लेते हैं फोन के वेरिएंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB प्लस 8GB रैम के बेसमेंट में देखने को मिल जाएगा। UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज दी गई है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का विद OS के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश मैन कैमरे के अंदर देखने को मिलेगी। मैन कैमरे से आप 4K वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5 का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है, स्टोरेज यूनिट के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई, जो कि सपोर्ट करेगी 80W फास्ट चार्जिंग को। 15 मिनट में आप इस फोन को 60% इजी चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंथ स्कोर के बारे में। इस फोन का एंथ स्कोर आपको 8 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा, 9 लाख के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको फ्रेम जो है प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। फ्रंट ग्लास एंड बैक ग्लास दोनों के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही में 193.5 ग्राम का वेट दिया गया है फोन के अंदर, 8.2mm की थिकनेस है। तो दोस्तों, इस फोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि OnePlus की तरफ से रहने वाला है, OnePlus Nord 2T 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी अल्टीमेट डिजाइन देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, HDR9+ की सपोर्ट है, 85.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोरिंग गोला ग्लास 5 को प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही में बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है। अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन OS 13 का एक्सपेंड देखने को मिल जाएगा साथ ही में। बात कर लेते हैं फोन के वेरिएंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB प्लस 8GB रैम के बेसमेंट में देखने को मिलेगा। UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज दी गई है। मैन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का विद OS के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ, ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलेगी मैन कैमरे के अंदर। मैन कैमरे से आप 4K वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 32MP का। 3.5 का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है, स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4500mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 80W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन की कलर स्क्रीन के बारे में। इस फोन के अंदर आपको ग्रे शैडो कलर स्क्रीन देखने को इस फोन के अंदर आपको 2 कलर स्क्रीन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कलर जो देखने को मिलेगा ग्रे शैडो, सेकंड जो मिलने वाला है जेज फॉग। बात कर लेते हैं फोन की कलर स्क्रीन के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 2 कलर स्क्रीन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कलर जो देखने को मिलेगा ग्रे शैडो, सेकंड जो मिलने वाला है जेज फॉग। अब बात कर लेते हैं फोन के एंटीथ स्कोर के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 4 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा एंटीथ स्कोर, 5 लाख के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम जो है प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 190 ग्राम का वेट है, 8.2mm की थिकनेस है। तो दोस्तों, इस फोन को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अपनी नीड एंड ब्यूटी के हिसाब से।
अब बात कर लेते हैं लास्ट फोन के बारे में जो कि OnePlus की तरफ से रहने वाला है, OnePlus Note C2 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 90Hz रेट है, HDR नेटवर्क की सपोर्ट दी गई है, 84.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोरिंग गोला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है, अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको ऑक्सीजन OS 13 का एक्सपेन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन के वेरियंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB प्लस 6GB रैम के बेस वेरियंट में देखने को मिलेगा। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज दी गई है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5 का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको ऑनली डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4500mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 65W फास्ट चार्जिंग को। अब बात कर लेते हैं फोन के एंटू स्कोर के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 4 लाख प्लस अराउंड एंटू स्कोर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 173 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, 7.8mm की थिकनेस है। तो दोस्तों इस फोन को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अपनी नीड एंड ब्यूटी के हिसाब से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इन फोनों से जो भी फोन आपको ज्यादा बेस्ट लगा हो उस फोन को आप अपनी नीड एंड ब्यूटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।